हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ मैथ्स हमारा चल रहा था। इसके हम सेकेंड चैप्टर में हैं और उसके 2.1 एक्सरसाइज में आ गए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7, यानी 3/7 के हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, यानी इसके बराबर वाले। तो सबसे पहला हम लिखेंगे 3/7 है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो सबसे पहले इसको हमें क्या ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों तरफ अगर सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/7 ही आ रहा है ना। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6/7 2 जा 14। तो ये इसका पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब आपको लग रहा है कि सर ये 3/7, कोई पूछे कि ये 3/7 के इक्वल है क्या? हाँ इक्वल है। आप इसको 2 की टेबल से काटो, 2 3 जा 6 2 7 जा 14। तो ये 3/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फिर सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो 3/7 को हम किससे इंटू करेंगे, 3 से, दोनों तरफ 3 से। तो 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21। तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? हाँ ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आप इसको 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 7 जा, वापस 3/7 आ गया ना। तो ये दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब हम थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे 3/7 में। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ऊपर और नीचे। तो 4 3 जा 12 और 7 4 जा कितना हो गया, 28। क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? हाँ। इसको 4 से काटो, 4 3 जा 12, 4 7 जा, तो वापस 3/7 आ गया ना। फिर और अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे हम किससे करेंगे, 5 से। तो ऐसे करके आप कितने भी इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब इसके बराबर है, 15/35। फिर फिफ्थ वाला निकालोगे, 3/7 को किससे करोगे, 6 से करोगे। तो 6 3 जा 18 अपॉन 7 6 जा क्या है 42। और लास्ट में आंसर क्या लिखोगे कि 3/7 किसके इक्वल है, 6/14 के भी इक्वल है, और किसके इक्वल है, 9/21 के भी इक्वल है, 12/28 के भी इक्वल है, 15/35 के भी इक्वल है, और 18/24 के भी इक्वल है। यानी ये सारी इक्वल है, ये जो सारी वैल्यू लिखी है ना मैंने, ये इक्विवेलेंट। इन्होंने 5 फ्रैक्शन निकालने बोले थे ना, ये 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, इक्वल है। आप इनको कैंसिल करके देखना, ये सब किसके बराबर है, 3/7 के बराबर है। तो ये इसके 5 क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। तो हमने ये 4 वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो आप आराम से देख के कर सकते हो, वीडियो को पॉज करना और देख के आप इसको क्या करना, सॉल्व करना, और साथ के साथ भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। डिफरेंस निकालना है हमें फिफ्थ क्वेश्चन में, इन दोनों को माइनस करना है। तो पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो यहाँ कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन लिख देता हूँ, 4 7/10 ईजी है, आपने सब कर रखे हैं। 2/5 पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, 10 4 जा 40 40 और 7 कितना हो जाएगा, 40 और 7 कितना हो जाएगा, 47। एक मिनट, 40 और 7 कितना हो जाएगा, ये 10 4 जा 40 और 7 47 बाई क्या हो गया, 10 माइनस 5 1 जा 5 5 और 2 कितना हो गया, 7 7 अपॉन 5। तो ये आपका सिंपल हो गया। अब आपको एलसीएम लेना है 10 और 5 का। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा, आपने पहली क्लासों में सीखा होगा। 10 और 5 लिखा, 2 से किया तो 5 और 5 का तो 5, फिर 5 से किया 1 और 1, तो 2 5 जा 10। इसका एलसीएम कितना आ गया, 10। 10 की टेबल में कितनी बार में आ रहा है, 10 वन बार में, तो 47 को किससे इंटू करना है, 1 से। 5 की टेबल में 10 कितनी बार में, 2 बार में, तो 7 को किससे इंटू करना है, 2 से। तो 47 1 जा 47 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन क्या हो जाएगा, 10। 7 इसमें से माइनस कर दो, 47 में से 14 को तो आपको आता ही है, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो कितना आ गया, 33। तो आ जाएगा 33/10। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 33 को किससे डिवाइड करना, 10 से। तो 10 3 जा क्या हो जाएगा, 30 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, 3, और फिर रिमाइंडर कितना आया, 3। तो यहाँ 3 लिखेंगे और अपॉन में किससे डिवाइड किया, 10 से, तो 10। तो ये आंसर हो जाएगा, 10 3 जा 30, 30 प्लस 3 33/10। तो ये ए वाले क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, बस
सब्ट्रैक्ट ही करना है किसको, 4 7/10 को आपको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 1 2/5 से। तो 10 4 40 7/10 माइनस 5 1 5 और 7/5, फिर हमने एलसीएम लेके इसको क्या कर लिया, इजीली सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बी वाले पार्ट में। तो इसका बी वाला पार्ट क्या कहता है कि हमें किसको सॉल्व करना है, 14/15 है, इसको माइनस करना है किससे, 2/3 से। तो एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 15 और 3 का आप एलसीएम लोगे, 3 से करोगे 3 5 15 3 1 3 5 से करोगे 5 1 5 ये 1, तो 5 3 15। तो एलसीएम कितना जाएगा, 15 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो 14 को किससे इंटू करेंगे, 1 से। 3 की टेबल में 15 5 बार में, 2 को किससे इंटू करेंगे, 5 से। 14 1 14 माइनस 2 5 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 15, 14 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 4/15। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि अब 4 तो छोटा आ गया, अब तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इसको क्या मत करना, डिवाइड मत करना। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये बी वाले पार्ट का हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया हमारा, 6 का ए वाला पार्ट। 6 का ए वाला पार्ट क्या बोल रहा है, 2 3/5 प्लस 3 7/10 प्लस 1 7/15। ये क्वेश्चन 2 5 10 10 और 3 13 13/5 प्लस 10 3 30 30 और 7 37 37/10 प्लस 15 1 15 15 और 7 22 22/15। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे किसका, 5 10 और 15 का। तो 2 से करेंगे सबसे पहले, 5 तो 5 ही रहेगा, 5 आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 15। फिर 3 से करेंगे, 5 5 ही रहेगा, 15 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। फिर 5 से करेंगे, 1 1 1 5 3 15 15 2 30। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। 5 की टेबल में 30 कितनी बार में था, 6 बार में, तो 13 को किससे इंटू करेंगे, 6 से। 10 की टेबल में 30 कितनी बार में था, 3 बार में, तो 37 को किससे इंटू करेंगे, 3 से। 15 की टेबल में 30 कितनी बार में था, 2 बार में, तो 22 को किससे इंटू करेंगे, 2 से। तो 16 को इससे आप इंटू करोगे, 6 3 18 178 आ जाएगा, 13 6 78 12 11 111 आ जाएगा, आप इंटू करके देख लेना 37 को 3 से, 1 2 3 3 9 10 11। ठीक है, और 22 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर आप ऐड करना 78 111 और फिर 4 4। ठीक है, तो 8 4 12 13 का 3 1 8 9 10 11 12 13 12। तो कितना आ जाएगा, 233/30 कितना आ गया, 233/30। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इनको डिवाइड करके इसको किस में चेंज कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में। 233 को किससे डिवाइड करोगे, 30 से। तो 30 की टेबल में ये 7 बार में आएगा, 210, तो 32, तो 23 आ जाएगा। तो आंसर तो आया 7, तो यहाँ तो लिखेंगे 7, रिमाइंडर आया 23 और अपॉन में क्या लिखेंगे, 30। तो 7 23/30 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने ए वाला पार्ट इसका क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। बी वाला पार्ट आप खुद ही क्या करना, होमवर्क करना, एलसीएम लेना और इसको क्या करना, सॉल्व करना, बिल्कुल आसान है, आपसे हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन में आते हैं, 7th वाले क्वेश्चन में। 7th वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, हम इसमें कितना जोड़ें कि ये आंसर आ जाए। तो जैसे देखो, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है कि इसमें मैं कितना जोड़ूं, मैंने बोला कि 9 में मैं कितना जोड़ूं कि 10 आंसर आ जाए, तो आप बोलोगे 1 जोड़ो, सिंपल है ना। अगर मैं बोलूँ कि 9 में मैं कितना जोड़ूं कि 10 आंसर आ जाए, तो आप बोलोगे 1 जोड़ो, तो मैं पूछूंगा ये 1 आंसर आया कैसे, तो 10 में से 9 को माइनस कर दो, तो 10 में से 9 गया तो 1। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें मैं कितना जोड़ूं कि ये आंसर आ जाए, तो ये जो जिसको आंसर लाना है उसको क्या करना है, माइनस करना है किससे, जिसमें जोड़ना है। तो ये 7 वाला क्वेश्चन है, इन दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 और 7 70 73 73/10 माइनस 15 3 45 46 47 48 49 49/15। एलसीएम लेना है आपको, तो यहाँ लेके बता देता हूँ मैं, 10 और 15 का 2 से करोगे
फाइव, 15 का 15 ही रहेगा, 3 से करोगे 5, 5 आ जाएगा, 5 से करोगे 1 और 1, 5 थ्री 15 टू ज़ा 30, तो यहाँ पे कर देता हूँ आगे, LCM आ गया इसका 30, 10 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो 73 को किससे इंटू करना है 3 से, माइनस 15 की टेबल में 32 बार में, तो 49 को किससे इंटू करेंगे 2 से, अब इसको इंटू करेंगे 73 को 3 से, 33 या 9, 7 3 21, ये आ जाएगा, आप खुद इंटू कर लेना, 49 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 98 अपॉन में क्या आ जाएगा 30, अब 219 में से 98 को क्या करना है माइनस करना है, तो 9 में से 8 गया 1, इधर हासिल 11 में से 9 गया 2, तो 121 कितना आ गया 121 अपॉन 30, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 121 को किससे करोगे 30 से, तो 34 जा कितना आता है 120 आएगा, 1 बचेगा तो 4 तो आ गया आंसर, रिमाइंडर आ गया 1 और अपॉन में आ गया 30, तो आंसर आ गया 4 1/30, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से करना है, आपको डरने की कोई बात नहीं, आराम से बस सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, तो एक एक क्वेश्चन आप आराम से समझोगे, तो देखो 8 में क्या है, ऑफ इतना एंड इतना विच इज़ ग्रेटर बाई हाउ मच, इन दोनों में से कौन बड़ा है और फिर कितना बड़ा है ये हमें बताना है, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 5/7 बड़ा है या क्या है 7/8 बड़ा है, और फिर बताना है कितना बड़ा है, तो क्या है नंबर, एक तो है 5/7 और एक है 7/8, तो ये बड़ा हम कैसे बताएंगे, जब इन दोनों के नीचे के नंबर सेम होंगे तभी तो हम बता सकते हैं बड़ा है या छोटा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 5/7 है, इसको क्या करेंगे, इधर नीचे 8 है ना, तो 8 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/8 का कितना हो जाएगा, 5/8 का कितना हो जाएगा 40 अपॉन 7/8 का कितना हो जाएगा 56, तो ये 5/7 ही, आप इसको अगर काटोगे तो वापस 5/7 ही आएगा, फिर उसके बाद अगला नंबर है 7/8, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका 8 है तो इधर 7 है, तो 7 से क्या करेंगे ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, तो 7/7 जा 49 और 8/7 जा वापस कितना हो गया 56, अब देखो ये दोनों नंबर 40 अपॉन 56 और एक है 49 अपॉन 56, तो ये नंबर दोनों यही हैं, अगर आप इसको 7/8 की टेबल से काट दो, तो देखो 8/5 जा 40 और 8/8 जा 8/7 जा 56, तो हो गया ना 5/7, इसको 7 की टेबल से काट दो 7/7 जा 7/8 जा 56, तो ये वही नंबर है, अब इन दोनों में से बड़ा हम बता सकते हैं क्योंकि अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, यानी इसका मतलब ये बड़ा है, कौन सा ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो है 5/7 और ये है 7/8, तो कौन सा बड़ा हो गया 7/8 क्या हो गया ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब बड़ा हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक और पूछा है कितना बड़ा है बाय हाउ मच, अब हमें पता लग गया ये बड़ा है, अब जैसे मैंने बोला कि 8 है और 9 है, इनमें से कौन बड़ा है, तो आपको पता लग गया 9 बड़ा है, अब मैंने पूछा कितना बड़ा है, तो 9 में से 8 को माइनस करोगे तो आप बोलोगे 1 बड़ा है, तो वैसे ही हमें हाउ मच निकालना है, क्या निकालना है हाउ मच यानी कितना बड़ा है, तो हमें क्या करना है 7/8 है उसमें से माइनस करना है किसको 5/7 को, तो LCM लेंगे तो आप ले लेना LCM 56 आएगा, तो 8 की टेबल में 7 बार में तो 7 × 7 और 7 की टेबल में 8 बार में तो 8 × 5, तो 7/7 जा हो गया 49, 8/5 जा हो गया 40 अपॉन 56, 49 में से गया तो 9/56, तो कितना बड़ा है 9/56, ये आपका एक आंसर तो ये हो गया और एक आंसर कितना बड़ा है तो 9/56 बड़ा है, तो ये वाला हमारा 8 क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर किस में आ गए 9 में, तो सारे इजी हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। 9 में द कॉस्ट ऑफ द कप इज इतना एंड द प्लेट इज इतना, एक लिखना है यहाँ पे कॉस्ट यानी रेट है ना, कॉस्ट ऑफ कप, कप का कॉस्ट कितना है 21/2 रुपीस, ये तो कप का कॉस्ट है, फिर है कॉस्ट ऑफ प्लेट, प्लेट का कॉस्ट कितना है 1/3/4 रुपीस, ये प्लेट का कॉस्ट हो गया। अब ये पूछा है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें बताना है किसका कप एंड प्लेट का, तो सिंपल है ना, मैंने बोला कि आप दुकान में गए, आपने कप खरीदा 100 रुपये में और प्लेट खरीदा 200 रुपये में, टोटल कितना हो गया, तो आप बोलोगे 100 + 200 = 300, तो इनको भी हमें क्या करना है प्लस करना है 21/2 + 1/3/4, तो 22 जा 40, तो 41/2,
प्लस 4 1 4 और 7/4 एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, आपको आता है 41, तो 41 है इंटू 2 की टेबल में 4 कितनी बार में था, 2 बार में, तो 2 4 की टेबल में 4 कितनी बार में था, 1 बार में, तो 7 इंटू 1 तो 41 टू ज़ा 82, 82 प्लस 7/4 तो 82 में 7 प्लस करेंगे तो 89/4 तो क्या आंसर आ गया 89/4। अब आप चाहो तो इसका क्या ले सकते हो, मिक्स्ड में बना सकते हो, 4 टू ज़ा 8 ये कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर वापस 4 टू ज़ा 8 रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो क्या आया आंसर 22 तो आंसर आया, रिमाइंडर आया 1 1/4 यानी 22 1/4 ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि 4 को 88 आ जाएगा, 88 1 और 89 तो ये हमारा 9 वाले क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था हमारा। अब उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, शुभम सोल्ड 2/7 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज व्हाइल विभोर सोल्ड 4/ ऑफ इट, हु सोल्ड स्मॉलर पार्ट, तो सबसे छोटा किसने सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन देखो, कोई भी अगर एक्सरसाइज है उसका 2/7 तो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है शुभम, और 4/5 क्या कौन कर रहा है, कौन कर रहा है विभोर, ठीक है। तो हमें बताना है किसने कम किया, तो ये 2/7 है और एक है 4/5, ऐसे देख के तो हमें पता नहीं लग रहा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमें इसको चेक करने का, मैंने वही बताया था जैसे 2/7 है सबसे पहले तो इसके नीचे 5 है तो इसको 5 से दोनों तरफ इंटू कर दो, तो 5 2 10 और 7 5 35, क्योंकि ये है तो 2/7 है, 5 से कैंसिल करोगे तो वापस 2/7 आ जाएगा। फिर सेकेंड है 4/5, तो इसको भी सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4/5 है तो 7 से इंटू करेंगे, 7 ऊपर 7 नीचे, तो 4 28 7 5 35। अब देखो दोनों बन गए 10/35 और एक हो गया 28/35। अब इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, इसका मतलब 2/7 है ये तो, और ये क्या है 4/5 है, तो ये बड़ा है, तो छोटा कौन सा है 2/7, और 2/7 किसने किया शुभम ने, तो आंसर क्या हो जाएगा शुभम सॉल्वड, क्योंकि इन्होंने छोटा पूछा बड़ा नहीं पूछा, सॉल्वड स्मॉलर पार्ट, यानी शुभम ने क्या किया स्मॉलर पार्ट को क्या किया सॉल्व किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.2.1 को पूरा क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप अपने घर पे बिना देखे सॉल्व करना और फिर वीडियो देख के आप एक एक को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे